पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी को 2 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल शिक्षा भर्ती घोटाले में पार्थ को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी। आपको बता दें कि ईडी ने इससे पहले अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम बरामद की थी, जिसके बाद ही पार्थ चटर्जी से पूछताछ शुरू हुई। साथ ही गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया था और कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी गई थी। फिलहाल अदालत ने मुखर्जी को 2 दिन के लिए जांच एजेंसी की रिमांड पर भेज दिया है।